रे महाराज की। दूध अब ब्राह्मण जाकर के देख रहा था पालना, कभी नीचे जा रहा था कभी ऊपर आ रहा, वो ऊपर ने पकड़े बाटे करे सुरगा जी, नीचा राजा नीचा करे ऊपर ने वाह कत्ती काबू को चालू रहा। दूसरा ब्राह्मण भी कूट करके वापिस आ जाता है। तीसरा ब्राह्मण जब कूट करके जाता है तो पालना खाली का खाली मिल जाता है। उल्टार बोले यारो थम्मी झूठ बोलो जो कैडे उन्हें देव से कैडे कैसे हो तो किम भी को खाली पड़ो से पाल। चौथा ब्राह्मण बोलो मैं जाता हूँ। चौथा ब्राह्मण जाता है और उसी टाइम देव अपनी माया को फैलाता है तो कैसे फैला रहा है देखा। मारे गए बिचारो आथन तड़का में खुजी मेरी बाड़ों से मैं भी क्या तो बिना बात में प्राचट मोज लियो। वापिस देख करके आता बोलो राव जी भी पागली हो या कहीं का पैर मोड़े गए खुद ने तो सास को आज दम उठ वाला कि ना होकर बैठ बैठ वापिस आकर बोलवा एक काम करो आज को पाप भाई तो को कमाओ
अरे 80 वर्ष को डो करो थे मारा हाथ में आयो शासन आयो बिना बात मेरे पाप तू चढ़ाओ। पांच ब्राह्मण उठ करके जाता है और जाकर के देखता है तो स्वरूप माँ अपरंपार की पालना के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। वापिस आ जाता है इतनी देर में सम साधु जी पानी की झाड़ी लेकर के आ जाती है, बोले एक काम करो बाइक प्रोइनस। पांच ब्राह्मण उठ करके जा रहे थे, साधु जी बोले ब्राह्मण देवता हो भोजन खा लो, बोले उल्टा खाई जा वो तरह संतरान शहर का बाइक प्रारायण शहर में जाकर राहुल ने बोले मारा बस की बात वह तो अपरंपार साक्षात कलयुग का अवतार है, वह मारा बस को तुम्हारी वो कोई। साधु जी जब इतनी माया का गोठों में बैठी देखती है तो मन के अंदर पाप पैदा हो जाता है कि सब राव का दूसरा तेर लाए झोड़ा खेलो उदा देव ने मार वो चाहिया। उसी टाइम भाट को अपने पास बुलाती है, बताया जाता है कि लड़की के दो आश्रम होते हैं, या तो अपने पिता के घर दिन तोड़ सकती है या अपने पति के सारे दिन तोड़ सकती है। मन में सोची पति तो राम को प्यारो हो गए लेकिन तुरंत पिता तो अभी दूरों खटाणु जिंदो बैठो। भाट को अपने पास बुलाती है और भाट को बुला करके परवाना लिखती है, एक मीठा मालवा का नाम बताती है तो कैसे बता रही देखा खटाना निजार पतुड़ा ये पड़गी अपरम पार सतरिया ने रावक जिसे दीना मारे अर्ध बोलिया खेलो विष्णु को अवतार आकर अगद गोठा में बन जाए बोलिया और दुख पावे साधु रज ने आर जाओ साधु की तमग छतरी राव जन घर छोड़ा ना घाटे और उठ गया बोध का जन्म ठाटर तेरी बेटी दुख पावे वादरो शीश पे खाटे और गोर अंधेरो गयो जीवो फेर सुगाओ आओ विष्णु का अवतार आकर के खेला है अगर जब मेरा एक छोटा सा बालक ने बीमार दियो तो बाबा दुनिया मेरो जीवो धूड़ा खटाना ने जाकर कहिए मन की बात जब से मतवाला धूड़ा खटाना मर गया तेरी बेटी के दिन की होगी जाओ जाओ बाट जी और ले जाओ परवानु समरार
और कहे दिए मेरा बापू धुरा खटाना नहीं एक दिन साडू को बनकर आ जाएगो यार। हे बाबा भात तुम जाओ और जाकर के धुरा खटाना कह दे बातरी घोर विपताम पड़ी जब तेरा सारा सायो सारो हाथ बात लेकर के परवाना जाता है सात दिन की धर्म जल से मीठा मारवा के अंदर पहुंच जाता है। धुरा खटाना को जब परवाना संभालता है तो धुरा खटाना अति दुखी पड़ जाता है। इस बार तेरी लीला है लाखों लोगों का दातार बहुत सवाई जैसे इस पृथ्वी के ऊपर उठ गए। मैं तो ये सोच रहा था कि साधु जी तो साक्षात को भगवान को तुरे पढ़ना चाहिए। आज साधु भी दुखी है धूड़ा खटाना अति दुख में पड़ता है। उसी टाइम अपने बहाट को और अमा और निमा दोनों अपने पुत्रों को कहता है जाओ और तुम्हारी बहन साधु को लेकर के आओ। बहाट लेकर अमा निमा को वापिस आता है आकर के साधु कहता है कब तू झटपट से तैयार हो ले। बोले बाबा बात यह बता कौन आयो थे। बोले भाई तेरा दोनों छोटे भाई अमो और निमो दोनों तेरा लेने यार। जब अमो और निमो का जिक्र सुनती है तो साधु जी के तन बदन में आग लग जाती है और एक खड़ी खड़ी बाबा भाट को धमकाती है तो कैसे धमका साधु जी तो नाया कबीर के थारी माँ जाई था सिना तो मिले ज्ञानी जब सरे सवाई भोजर पर कर जब साडूक आख्या में आगो रोए अरे मेरा बादल के सोना का के देख गया खोज अरे आज नहीं आयो छेर ऐंडे बोली के गणू सताव भोज अरे के दिए बाबा बाटर गड गोठा में दुख का पानी तो पी ले के तारी माँ जाई ना तो अरे छोड़ गयो एक दिन तीन लोक को नात लतवारा के पीछे मेरे दिन की होगी रात अरे अब रूंगी गड गोठा मेर साडू की माटी में माटी देख तो मिलेगी खा गयो नदी खारी को खाए
और अल्फा कंपनी असी चेर जी का देखी साप सवाल और बैठो बैठो शेट कर तो असरो बाबू लाल और कैसे कपूरी वेती आई र गरम गरम तुन चाय तो भी लेगी मोहन मोहन तो दोड़ा साठो तो प्यारी हमारे तो चलो आसी बाजाई नाय तो भी लोगी साफ खोल करके साडू जी ने कार कहा था कि बाबा बहुत कहेगी अमोर निमा का रात रात के भीतर ठंडी पार्टों पर डेरा लगा दे और प्रातः काल वापिस अपने देश को चल जाए। कह देना अमोर निमा को आज साधु जी चापा मरे चाहे जीवे आज चाहे भूखी रे दाई रे रहेगी गट गोठा के मां ये तो मैं भी जानती हूँ। बाबा भार समय बिगड़ती है तो तन का कपड़ा भी भरी हो जाता है। बैठी बैठी साधु के याद आ गयो सरे सवाई बहुत ये बात धूलो खटाड़ू नहीं आयो जब सुरजानी आख्या में भर भर आगो वो सुरजानी चौसरिया चाज गा बोले वाह अशो समय बिगड़े आज बादल कभी सोना का खोज हो गया जो मिल भाभी को आ रही ना जब सी मैं खुद के जीवन लेने आ रहा होगा तो ही चल रात बिशरा मुआ निमा ठंडी पार के ऊपर विश्राम करते प्रातः काल वापिस चले जाते दूड़ा खटाड़ा जा बोले वाह मारा बस की तो बात को ना साफ बहन इनकार तू जाकर लागो उसी टाइम में दूड़ा खटाड़ा को बात बोलो एक काम कर दूड़ा खटाड़ा थम बैठो और मैं जाकर साठ उन्हें समझा कर स्वयं लेकर धूड़ा खटाना का बाहर चल करके आता है और आकर के साधु जी के पास एक बिना बाहर मई तू दिले बात आयु छू और अब साधु तू भी इनकार नहावा साधु मन में सोच ली कोई बात को तेरो बाप नहा तो चाल बाहर चले बात के साथ भी उसी टाइम बहाट नापागवार को अपने पास बैठाती है और पास बैठा करके कहते है कि एक काम करो भाई बहाट ये बाबा बहाट अब मीठे मार में चलागा एंड तो राव को भय वो जब बहाट को मीठा मालवा का नाम लेती है तो बहाट एकदम क्रोध में भर जाता है और क्रोध में भर करके अरे एक साधु जी के सामने आंसू बरसाता है एक उसको कहता है तो कैसे कह रहा ये जी एक दहनिया मर गयो से मारो मारिए Oh,
साधु छोटी जनकी लाग गई थी खोटी साधु बात बता दू छोटी जनकी लाग गई थी खोटी साधु बात बता दू छोटी जनकी लाग गई थी खोटी तू जाकर आ जाए वोटी मैं ना मेरे खाऊं रोटी तू जाकर आ जाए वोटी मैं ना मेरे खाऊं रोटी तू जाकर सवाल पूजा बाकी कर दे तार तुम करता साप सवाल पूजा बाकी दे तार तुम करता साप सवाल आगो लेखारी को खाल मारा मारा नेतर वेगा लाल आगो लेखारी को खाल मारा नेतर वेगा लाल आगो लेखारी को खाल मारा नेतर वेगा लाल योर अशोर बहुत जमाने कारो बतारो खागो ने खारी को घाट सापन जो तो बाट खागो ने खारी को घाट सापन जो तो बाट खागो ने खारी को घाट को डाला चलूंगो मैं तो सारो समय तेरी ना बिगड़ी समय साथ साथ बात के भी बिगड़ गई लाख हनुमा की दाता के साथ लाख की पी चार सवा लाख की आज अगर जो धनी होता तो नहीं तो तू गटगोटो को छोड़कर मीठा मालवा में तू जाती और हाथ बिछट करके जाती साधु जी तू तेरे पीर जाया बा मेरे तो अपमान हो जा मैं धनिया को बांचू एक काम कर लूटी सूखी मिलेंगी जैसी मैं तो मेरी माता नहीं ले जाऊंगा साथ और सुसनेरी के बाजार मेरे नानी राय में रहकर पेट गुजारो वहाँ टिनकार हो जाता है तो नापा के पास जाती है कि नापा अपनी गायों को तैयार करो हम वापिस अपने पीर को चाहना चाहिए नापा कहने गए जना नापो भी साफ इनकार हो बोलो बुआ जी आइया को चाह जैसी गाय सजा कर सरे सा भोज का आगे निकले वो कर जो सारो श्रृंगार गाय को लाकर ना जब तो चालू ना मैं तो साडू जी बोली भाई एक काम कर तेरा फूफा भोज को एक सूजो जाट भाई लो छो अरे वाह उनकर तारी कुछ रहेगी मैंने तो मालूम करो अगर उन कड़े
नापा भी अटकता है, साधु जी निकाल करके ताली देती है और नापा उन गायों का श्रृंगार करके और देव जी को अपने सिर के पालने को अपने सिर के ऊपर रख करके अब चलती है। उसी टाइम चलती चलती दूध नीमड़ी के पास जाते हैं, एक दूध नीमड़ी को उड़वा देती है। तो कैसे देखा ये मैं तो मेरे आज पीर में ताजी बाएली मेरे साथ तो समाजी मैं तो मेरे आज पीर में ताजी बाएली आज बन गई बाहरी मतवाला नहीं खिलो या केसर की शिकारी रे वाकड़ गिरा अरे देवर मैं तो चादार तू खड़ी खड़ी एक दी देख तू बाजी मैं तो मेरे आज तेरे में चले पायले मेरे साथ तो चलो आगी प्यारा टप टप पड़ रो नीर दुख बिपता में गड गोटा को छोड़ रही सुशी हर सतगुण सूरज बान करता गुण पूछ तक धीर रहूंगी ने जब साडूर को रख खो तो छो तक धीर अरे आज बिछट गई बानर पास जग में केंद्र सी मिला दी तो मेरे आज तेरा ताली बाहेली